आगे बढ़ते हैं और अब बात दिल्ली की करेंगे, जहां जुमे की नमाज को देखते हुए देश भर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। देश के कई शहरों में पुलिस ने फ्लैग मार्च भी निकाला, शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई। और ये सब इसीलिए क्योंकि पिछले जुमे को हमने देखा था नमाजियों ने जिस तरह से देश के अलग अलग हिस्सों में हिंसा भड़काने की कोशिश की थी, हालात बेकाबू हो गए थे। ऐसे में कोई रिस्क पुलिस नहीं लेना चाहती है, एहतियातन तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील लोगों से भी की जा रही है। इसके साथ ही धार्मिक समुदाय से जुड़े जो वरिष्ठ लोग हैं, जो मौलवी हैं, उनसे भी कहा जा रहा है कि वो भी अपने अपने समुदाय को शांति व्यवस्था बनाए रखने की समझाइश दें। साथ ही पुलिस के जवान भी पूरी तरह से तैयार हैं, अलर्ट हैं। जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क है। देश के कई शहरों में फ्लैग मार्च निकाला गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात मध्य प्रदेश की करते हैं। यहाँ भी जुमे की नमाज को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। जुमे की नमाज के बाद भोपाल पुलिस की चौकसी रहेगी। एडिशनल सीपी सचिन अतुलकर ने यह जानकारी साझा की है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस का पहरा रहेगा। तो नमाज के दौरान मस्जिदों के बाहर जवान तैनात रहेंगे। देश भर में जुमे की नमाज के दौरान सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बता दें, देश के कई हिस्सों में जुमे की नमाज के बाद हिंसा हुई थी, जिसके चलते ये कदम उठाए जा रहे हैं। और मध्य प्रदेश में भी अब अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। जुमे की नमाज के बाद भोपाल पुलिस की चौकसी रहेगी। मस्जिदों के बाहर पुलिस के जवान तैनात रहेंगे ताकि कोई अप्रिय स्थिति निर्मित ना हो। जानकारी दी है एडिशनल सीपी सचिन अतुलकर ने। संवेदनशील इलाकों में पुलिस का पहरा रहेगा। इसके साथ ही पुलिस के जवान भी तैनात किए जाएंगे। बेसिकली जो सुरक्षा बढ़ाई जाती है वो नमाज को लेकर नहीं रहती है, वो सुरक्षा रहती है जहाँ पर भी बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होते हैं, चाहे वो कोई धार्मिक स्थान हो, कोई राजनीतिक स्थान हो या कोई सामाजिक स्थान हो। सभी जगह पर जहाँ भीड़ एकत्रित रहती है और कुछ संवेदनशील मुद्दा वर्तमान में अगर चल रहा है तो उसको मॉनिटरिंग की जाती है। और जो इंटेलिजेंस पुलिस का विंग रहता है वो सक्रिय भी रहता है कि अगर कहीं पर कुछ विवाद होने की संभावना है या कोई भीड़ एकत्रित हो रही है किसी विशेष प्रयोजन के लिए जो हिंसक हो सकती है, तो उस पर पुलिस लगातार मॉनिटरिंग रखती है। और यहाँ भी भोपाल में भी लगातार ये बल और संवेदन